हाँ तो भाई, तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि मैं आपको फर्दर अपडेट करता रहूं कि आप यूएई आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको एज भाइयों की तरह मशवरा ये दे रहा हूं कि अगर आपको यूएई से और आगे जाना है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको यूएई में ही रहना है, सर्वाइव करना है, तो थोड़ा सा सोचें यूएई आने के से पहले, अपने आप को प्रिपेयर करें। यूएई में आने का अगर आपको सर्वाइव करना है बहुत डिफ़िकल्ट है, मत आइएगा आप डायरेक्ट, फिर आप अपने कंट्री में रहें। क्यों? क्योंकि यूएई में आप आएंगे, यूएई ऐसा इंजेक्शन है जो आपको फौरन, मतलब आपको जो है ना, एक यूएई में आते आपको ऐसा इंजेक्शन लगेगा कि आप वहाँ की लाइफ के हो जाएंगे यूज टू। इतनी लग्जरी लाइफ है, इतनी कम्फर्टेबल लाइफ है कि आप वहाँ पर आते हैं तो आप वहीं के हो जाते हैं। तो ये फैसला आपको करना है कि आपको यूएई आना है कि नहीं आना, और अगर आना है तो उस लाइफ के आप आदी हो जाएंगे। जब तक आपके पास जॉब है आप फुल अयाशी करेंगे, जब आपके पास जॉब ख़त्म हो जाएगी 28 डेज़ बाद आपको वो कंट्री लीव करनी पड़ेगी। जब आप वो कंट्री लीव कर दोगे तो आपको वापस बैक होम जाना पड़ेगा, और बैक होम में आपको आपके जो मसाइल हैं, जो आप 5 साल पहले 2 साल पहले आने से पहले सोच रहे थे, आप वहीं खड़े होंगे। ना आपके पास फंड्स होंगे, ना आपके पास मतलब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। तो इसीलिए आप सोचें कि आपको क्या करना चाहिए। तो मेरा मशवरा ये है, मैं भी सेम स्टेज पे खड़ा था। मैं यहाँ पे कैरियर आया था, ग्राफिक डिज़ाइनर शुरू किया था, ऐसा आर्ट वर्क शुरू किया था मैंने अपना कैरियर, और यहाँ पे आज मैं क्रिएटिव डायरेक्टर की पोजीशन पे काम कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, मैंने ये सोचा कि यार अभी तो मैं कैरियर के टॉप पर आ चुका हूँ, अब मुझे और फर्दर अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही, एज फैक्टर ऑलरेडी मौजूद है वहाँ पर, और आजकल AI ने वैसी माँ बहने कर दी है। ठीक है, तो इसलिए अपने साथ ऑनेस्टी के साथ आप फैसला करें कि आपको क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा यार वापस, अगर मेरी जॉब ख़त्म हो जाती है, वापस बैक होम जाने से बेहतर है कि मैं सेकंड पासपोर्ट लेके और आगे फर्दर अपनी लाइफ को और अच्छा करता हूँ। तो मैंने यही फैसला करके मैं आज लिस्बन पोर्चुगल के अंदर बैठा हूँ। अपने डॉक्यूमेंट ऑलरेडी सबमिट कर दिए हैं, किस तरह किए हैं, क्या किया है, और यहाँ पे लाइफ स्ट्रगल दोबारा स्टार्ट की है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए। यूएई का एक्सपीरियंस में वह मौजूद है ऑलरेडी, मैं कंपनी के साथ ऑलरेडी ऑनलाइन काम कर रहा हूँ। मेरे साथ अभी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास मौजूद हैं, यहाँ पे लोकल क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, क्या क्या मुश्किलात हो रही हैं, किस तरह आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं, किस तरह यहाँ आ सकते हैं, मैं यहाँ पे कैसे पहुँचा, मैंने कौन सा वीज़ा लिया, ये सब आपको मैं आगे वाली वीडियो के अंदर अपडेट करता रहूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और मेरी वीडियोज़ को देखते रहें, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपके क्या क्या पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं। मैं उस सारी चीज़ों से गुजरा हूँ, मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूँगा कि मैंने ये किया है, मुझे ये मुश्किलात हुई थी, आप ये करें ना करें, जिस तरह है, तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो मेरे साथ वीडियो पे बंधे रहिएगा, अगली वीडियो मैं आपके क्वेश्चंस के हिसाब से बनाऊँगा, और जो मुझे फर्दर डिटेल आपको देनी है मैं उस हिसाब से बनाऊँगा। तो काइंडली मुझसे क्वेश्चन कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।